हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडीज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन फ्रॉम आर्केजन, और कहां से कहां तक देखेंगे, 951 से लेके 1000 तक के। तो पहला है, लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल रफ एंड सम ऑफ द क्लाइम मिलिंग। तो कन्वेंशनल मतलब अप मिलिंग और क्लाइम मतलब डाउन मिलिंग, तो दोनों के हमें डिसएडवांटेज बताने हैं जो चार स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से। पहला है, चिप्स गेट पिक्ड अप एंड कैरिड अराउंड द कटर देयर बाय स्पॉइलिंग द फिनिश। फिनिशिंग ख़राब होती है आपकी अप मिलिंग में, मतलब कि कन्वेंशनल मिलिंग में। तो पहली डिसएडवांटेज हो गई कन्वेंशनल मिलिंग की। सेकंड है, कटर फोर्स टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क ऑफ द टेबल। ये भी आपकी डिसएडवांटेज है कन्वेंशनल मिलिंग की। तो पहली दो आपकी डिसएडवांटेज हो गई कन्वेंशनल मिलिंग की, और ये आपसे पूछा है 952 में। द डिसएडवांटेज ऑफ द कन्वेंशनल मिलिंग आर ए पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद 951 में क्लाइम मिलिंग की पूछा है, तो ये आपका होगा थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि डी पार्ट। थर्ड है, ऑन स्टील फिनिश में भी स्लाइटली रफर। ठीक, अगर यही स्टील की फिनिशिंग, अगर स्टील मटेरियल में हम कन्वेंशनल मिलिंग करते तो क्या होती, फिनिशिंग अच्छी होती। ठीक, और इसके बाद फोर्थ है, जीरो बैकलेस चाहिए मशीन में। अगर कन्वेंशनल मिलिंग में बैकलेस होगी तो वो टेंशन के थ्रू एडजस्ट होती है। ठीक, बट अगर क्लाइम मिलिंग में कर रहे हैं तो जीरो बैकलेस होना जरूरी है। तो थर्ड और फोर्थ डिसएडवांटेज हो गई आपकी क्लाइम मिलिंग की। तो 951 का करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। इसके बाद 953 है, इन फिनिश ग्राइंडिंग द ग्राइंडिंग रेशियो वेराइज फ्रॉम। तो इसमें डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग रेशियो कितना होता है, 25 to 50। तो 953 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 953 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 954 है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज़ यूज्ड फॉर। बेसिकली जो आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन है वो आपका फिनिशिंग ऑपरेशन है। ओके, तो 954 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इसके बाद आपका 955 है, ग्राइंडिंग व्हील इज़ बैलेंस्ड। देखिए, ग्राइंडिंग व्हील में कभी भी वियर आउट हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए हमें कोई टाइम नहीं है कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको बैलेंस करें, या फिर ग्राइंडिंग के पहले बैलेंसिंग देखें, या फिर ग्राइंडिंग के बाद उसको हम लोग अक्सर बैलेंसिंग उसकी करते रहते हैं। ठीक, उसके मतलब चेक करते रहना चाहिए बैलेंसिंग। तो 955 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। 956 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड रिमूव लीस्ट मटेरियल। जितना अच्छा फिनिशिंग ऑपरेशन होगा उतना हमें कम मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो 956 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, सुपर फिनिशिंग। इसके बाद 957 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म एट मैक्सिमम पेरिफेरल स्पीड। ठीक, तो आपको अगर मैक्सिमम स्पीड पे काम करना है तो जो आपके बॉन्ड यूज करेंगे वो करेंगे रबर, सिलेक और रेजिनॉइड। ठीक, अगर आपको रैपिड कटिंग करनी है तो आप विट्रीफाइड बॉन्ड यूज करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड का पूछा था, तो 957 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 958 है, द प्रोसेस ऑफ प्रेसीजन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विद लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव इज नोन एज। तो इसमें लूज एब्रेसिव की बात हो रही है, वो भी डस्ट टाइप, तो उसके तो ये हम लोग यूज करते हैं लैपिंग में। ओके, तो 958 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद मेजोरिटी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक, तो मेजोरिटी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील में हम रैपिड कटिंग करते हैं, तो इसलिए हम उसमें कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे, विट्रीफाइड। तो 959 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। इसके बाद 960 है, वर्क पीस इज सपोर्टेड एज फॉलोज इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। देखिए, जो आपका वर्क पीस होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, वो आपका वर्क ब्लेड के थ्रू वो सपोर्ट लेता है। ठीक, तो इसलिए इसमें इन चारों में से किसी का भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो 960 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट। 961 है, बफिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो बफिंग आपका क्या है, ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक, प्रोड्यूसिंग लस्टर ऑन मेटल सरफेस। तो 961 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 962 है, द वर्क पीस इज एडवांस्ड एज फॉलोज इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो ये आपका होता है फोर्थ एक्सटेल्टेड बाई रेगुलेटिंग व्हील। देखिए, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आपके वर्क पीस के दोनों तरफ, एक होता है ग्राइंडिंग व्हील, एक होता है रेगुलेटिंग व्हील, दोनों के जो रिलेटिव स्पीड होती है उसके थ्रू मेटल रिमूव होता है। ठीक, रेगुलेटिंग व्हील की जो स्पीड होती है वो आपकी ग्राइंडिंग व्हील से कम होती है। ठीक, तो ये हो गया इसका। तो 962 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। 963 है, ग्राइंडिंग व्हील इज़ बैलेंस फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ रैंडम वियर। ओके,
तो 963 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद आपका 964 है, फॉर ग्राइंडिंग स्टील एंड अलॉय स्टील फॉलोइंग मटेरियल ऑफ व्हील शुड बी चूजन। तो देखिए, अगर आप हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की अगर आप हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल में कर रहे हैं काम, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें स्टील अलॉय स्टील है, तो इसमें 964 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 965 है, पिकअप इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो पहला है इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग जॉब्स, दूसरा है रेट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज लो, और इसके बाद सी है वियर एंड टीयर ऑफ मशीन इज लेस। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज लेस। इसके बाद ई है रेगुलेटिंग व्हील इज यूजली रबर बॉन्डेड। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आपका बेसिकली सेंटरलेस ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं जब मास प्रोडक्शन करना होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ वो प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से, ठीक। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा हो गया, बी पार्ट। 966 है, द रेगुलेटिंग व्हील इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज यूजली स्मॉलर होता है ग्राइंडिंग व्हील से, ठीक। तो 966 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 967 है, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 10, ठीक। और उसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 8, ओके। तो 967 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद आपका 968 है, सरफेस स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है, वो ग्राइंडिंग व्हील की वो होती है आपकी 1500 से 1800 मीटर पर मिनट। तो 968 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, ठीक। ये कोई भी डाटा आपसे पूछ लेगा वो एग्ज़ाम में। 969 है, इसमें रेगुलेटिंग व्हील की स्पीड बतानी है। तो आपकी रेगुलेटिंग व्हील की स्पीड कितनी होती है, 15 से 60 मीटर पर मिनट सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। तो 969 का करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। इसके बाद 970 है, फॉलोइंग ग्राइंडिंग स्पीड इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग प्लेन कार्बन स्टील। तो अभी ये 968 में देखा था, तो आप देख लीजिए रेंज कहाँ कहाँ पर आ रही है। तो इसमें आसपास है रेंज 1500 से 2000, ठीक। तो 970 का करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। इसके बाद आपका 971 है, फॉर वेरी फाइन फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स सच एज बॉल बेयरिंग रेसेस फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फिनिशिंग की बात हो रही है। और ये अगर आपको हाई फिनिशिंग चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे सीलेक को, ओके। तो 971 का करेक्ट ऑप्शन है सी, और सीलेक अगर ना दिया हो तो उसके बाद होता है रबर, ओके। 972 है, फॉलोइंग ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म टू ऑब्टेन सरफेस फिनिश ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर। तो ये आपको डाटा याद आप कर लीजिए, ठीक, कि जो आपकी ग्राइंडिंग की जो वो होती है सरफेस फिनिश का ऑर्डर वो इतना होता है, ठीक। 972 का करेक्ट ऑप्शन है ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग की सरफेस फिनिशिंग का ऑर्डर होता है 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर। इसके बाद 973 है, इन सेंट्रल ग्राइंडिंग ऑपरेशन द रेगुलेटिंग व्हील रोटेट सेट। तो ये अभी थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25 से 60 मीटर पर मिनट, ठीक। तो 973 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इससे पहले कितना आया था, 15 से 60 था वहाँ पे। तो आप रेंज के आसपास देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपका 974 है, द साइजेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो इसमें आपको दोनों के साइज बताने हैं। ग्राइंडिंग व्हील होती है 500 mm डाया का होता है, और जो आपका रेगुलेटिंग व्हील होता है वो आपका 300 mm डाया का होता है। तो 974 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 975 है, द फिनिश ऑफ अ ग्राउंड सरफेस कुड बी पुअर ड्यू टू। तो आपकी जो फिनिशिंग होगी वो ख़राब होती है, किस वजह से होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एब्रेसिव ग्रेन्स जो होते हैं वो डल हो जाते हैं, मतलब कि क्या हो जाती है, ग्लेजिंग हो जाती है व्हील की, ओके, सॉरी। तो 975 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। 976 है, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंडेड। अभी थोड़ी देर पहले इसने मैक्सिमम लिमिट पूछी थी, तो वो वहाँ पे क्या था आंसर, 10, और यहाँ पे कितना होगा, जो मतलब इस जनरल रेंज है वो है 0 से 8। 976 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट।
इसके बाद 977 है, द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज डिटरमाइंड बाई, तो जो हार्डनेस होती है वो देखा जाता है कि अमाउंट एंड काइंड ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, मतलब कि हमने किस टाइप का बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया है, ठीक, उससे हम लोग पता लगाते हैं हार्डनेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। तो 977 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 978 है, लैपिंग होनिंग आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, तो ये आपके मशीनिंग प्रोसेस है लो स्पीड एब्रेसिव, ओके। तो आपके 978 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद आपका 979 है, फॉर लैपिंग ऑपरेशन इट इज कस्टमरी टू लीव ओनली फॉलोइंग अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव्ड, ठीक। तो हम लोग इसमें से कितना मतलब अमाउंट हम निकालते हैं फॉर किसमें, लैपिंग ऑपरेशन में, तो ये होता है आपका 0.5 से 1 mm तक, ठीक, मतलब इतना मटेरियल हम रिमूव करते हैं लैपिंग ऑपरेशन में। 979 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 980 है, होनिंग ऑपरेशन, तो इसमें से आपको होनिंग ऑपरेशन के बारे में बताना है। कैन बी यूज टू चेंज द लोकेशन ऑफ होल और करेक्ट अ स्लोप्ड कंडीशन ऑफ होल, ये नहीं करते हैं, ठीक। होनिंग ऑपरेशन क्या है, वो एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, ओके। तो इसमें बी दिया है, कांट बी यूज फॉर द एप्लीकेशन इन ए अबव, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ओके। तो 981 है, फॉर ग्राइंडिंग कास्ट आयरन ब्रास एल्यूमिनियम एक्सेट्रा यूज फॉलोइंग मटेरियल ऑफ व्हील, कास्ट आयरन ब्रास ये सब आपके लो स्ट्रेंथ, ये आपके लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है, तो इसके लिए हम लोग किस तरह का मटेरियल करेंगे यूज, वो हम लोग करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। तो 981 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 982 है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए एक्यूरेसी क्या होता है कि जो आपने मेज़र किया है उसकी वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है, जो आपने मेज़र करा है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या है, वो है, वो होती है आपकी एक्यूरेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 982 का बी पार्ट, अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द रीडिंग इज टू द ट्रू साइज। इसके बाद आपका 983 है, प्रेशर अप्लाइड ऑन वर्कपीस इन केस ऑफ लैपिंग ऑपरेशन, तो लैपिंग ऑपरेशन में कितना प्रेशर अप्लाई हम लोग करते हैं, 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो 983 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 984 है, बफिंग प्रोसेस इज यूज्ड, तो बफिंग प्रोसेस को हम लोग किस लिए करते हैं यूज, वो हम लोग करते हैं टू ऑब्टेन वेरी स्मूथ रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, ओके। तो 984 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 985 है, द फॉलोइंग इज द प्रोसेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन सरफेस फिनिश, तो इसमें से फाइन सरफेस फिनिश वाला प्रोसेस कौन सा है, टम्बलिंग प्रोसेस है वो, ओके। तो 985 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी वर्ड। देखिए ये जितने भी इसमें ऑपरेशन आपको बताए जा रहे हैं, बफिंग इसमें जैसे बताया टम्बलिंग, तो इन सब की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, ठीक, क्योंकि ये लास्ट टाइम में बहुत ये हेल्प आपको करेंगे। इसके बाद 986 है, टम्बलिंग प्रोसेस, तो इसमें सीधे आपसे पूछ लिया गया कि टम्बलिंग प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू एनी साइज शेप एंड मटेरियल ऑफ वर्कपीस, ठीक, ये किसी भी मटेरियल पे या किसी भी साइज शेप पे ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक। और ये कैसा प्रोसेस था, ये था आपका फाइन सरफेस फिनिश। तो 986 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 987 है, प्रेसीजन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट, तो देखिए जो आपकी एक्यूरेसी थी वो क्या था कि ट्रू की आपको ट्रू वैल्यू से डिफरेंस देखना था जो आपने मेज़र किया। इसमें क्या है कि आपने 3-4 मेज़रमेंट लिए और उनके बीच में आपको डिफरेंस देखना है, ये आपका होता है प्रेसीजन, ठीक। तो 987 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, द क्लोजनेस विद विच अ मेज़रमेंट कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बाद 988 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन्स पैरेलल टू द एजेस ऑफ अ पार्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो 988 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 989 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ठीक। तो 989 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। 990 है, अ सरफेस गॉज इज यूज फॉर, तो सरफेस गॉज को हम लोग किस लिए करते हैं यूज, हम लोग करते हैं लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली, ओके। तो 990 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 991 है, अ फीलर गॉज इज यूज टू चेक, फीलर गॉज को हम लोग चेक करते हैं थिकनेस ऑफ क्लियरेंस को चेक करने के लिए, ओके। तो 991 का करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट।
इसके बाद 992 है, वर्क इज़ यूजली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजिशन फॉर लेइंग आउट फॉर दिस पर्पज इट इज़ क्लैम्प्ड टू, तो उसको हम लोग क्लैम्प करते हैं एंगल प्लेट, तो उसको हम लोग किसे का वो करते हैं क्लैम्प एंगल प्लेट के थ्रू, तो 992 का करेक्ट ऑप्शन हुआ बी पार्ट। इसके बाद आपका 993 है, हैक्सॉ इज स्पेसिफाइड बाई द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ इट्स ब्लेड, तो उसमें हम लोग ब्लेड की लेंथ चेक हम लोग करते हैं, ठीक। तो 993 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 994 है, थिन मेटल पीसेस कैन बी कट बाई, तो थिन मेटल पीसेस को कैसे हम लोग करते हैं कट, बाई प्लेसिंग द मेटल बिटवीन टू पीसेस ऑफ वुड एंड कटिंग थ्रू बोथ मेटल एंड वुड, ओके। तो 994 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ सी पार्ट। इसके बाद आपका 995 है, द लेंथ ऑफ अ द लेंथ ऑफ अ हैक्सॉ ब्लेड इज मेजर्ड, तो उसकी लेंथ को हम लोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं, वो हम लोग मेजर कहाँ से कहाँ तक करते हैं, इन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू होल्स एट बोथ द एंड्स, ठीक, दोनों एंड पे जो होल होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर हम लोग मेजर करते हैं लेंथ। तो 995 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 996 है, टू प्रिवेंट द ब्लेड ऑफ द सॉ फ्रॉम बाइंडिंग इन द सॉ ब्लेड इज, तो आपको बाइंडिंग से बचाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं ब्लेड को सेट करते हैं। 996 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 997 है, वेन द फाइल इज पुश्ड एंड पुल्ड अक्रॉस द वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉ फाइल, ड्रॉ फाइलिंग, ठीक। तो 997 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 998 है, द थिकनेस ऑफ अ लाइट गॉज सीड स्टील, तो इसको हम लोग किससे उसको हम लोग किससे हम लोग करते हैं चेक, तो वो हम लोग करते हैं माइक्रोमीटर से, ओके। तो 998 का करेक्ट का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 999 है, ऑप्टिकल फ्लैट्स आर मेड ऑफ, ऑप्टिकल फ्लैट किससे बनाए जाते हैं क्वार्ट्ज से, तो 999 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ए पार्ट। इसके बाद 1000, द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिविजन्स ऑन अ वर्नियर स्केल मैचिंग विद 25 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो इसमें आपको लीस्ट काउंट बताना है, तो इसमें आपका लीस्ट काउंट किससे आप मेजर करेंगे, 1 - 24/25 × 0.5 - 0.5, ओके। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02 mm, तो 1000 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके आपको सॉल्यूशन मिल उसमें जाएगा वो उसमें बुक में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपके तो ये है आपके 50 क्वेश्चन, ओके। तो अब हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।